6000 साल पुराना मंदिर। मंदिर में बिना सिर वाली देवी माँ की होती है पूजा। माँ के रूप को देखकर लोग होते हैं भयभीत। यह रहस्यमय मंदिर झारखंड की राजधानी रांची से 80 किलोमीटर दूर रजरप्पा में स्थित है। इस मंदिर को छिन्नमस्ता या छिन्नमस्तिका मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। असम में कामाख्या मंदिर को दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिपीठ माना जाता है। इसके बाद रजरप्पा में मां छिन्नमस्तिका मंदिर है, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है। इस मां के दरबार में दूर दूर से लोग आते हैं। यह मंदिर अपने आप में बहुत ही अनोखा है। इस मंदिर में मां की मूर्ति में मां का कटा हुआ सिर उनके हाथ में है और उनके गले में खून की धारा बह रही है, जो खड़ी दो बहनों के मुंह में जा रही है। इस मंदिर में मां के दर्शन करने आने वाले लोग मां के इस रूप को देखकर भयभीत हो जाते हैं। मातृत्व का यह रूप लोगों में भय पैदा करता है। मां के इस रूप को मानसिक श्रम की देवी के रूप में भी माना जाता है। मातृत्व का यह रूप लोगों में भय पैदा करता है। माँ के इस रूप को मानसिक श्रम की देवी के रूप में भी जाना जाता है। पुराणों में रजरप्पा के इस मंदिर को शक्तिपीठ के रूप में वर्णित किया गया है। माना जाता है कि यह मंदिर 6000 साल से अधिक पुराना है। इस मंदिर के बारे में एक किंवदंती है जो लोगों में बहुत लोकप्रिय है। कैसे काटा गया था माँ का सिर? पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माँ भवानी अपनी दो सहेलियों के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने आई थी। नहाने के बाद दोस्तों को इतनी भूख लगी कि भूख से उनका रंग काला होने लगा। उसने माँ से खाना मांगा। माँ ने थोड़ा सब्र मांगा, लेकिन वह भूख से तड़पने लगी। अपनी सहेलियों से विनम्र अनुरोध पर माँ भवानी ने तलवार से अपना सिर काट दिया। कटा हुआ सिर उनके बाएं हाथ पर गिरा और रक्त की तीन धाराएं बहने लगी।